छात्रों देखिए, आज मोबाइल का जमाना है और मोबाइल के जमाने में संदेश भेजने के लिए बहुत ही आसान हो गया है। पर इसके पहले अगर किसी को संदेश भेजना है तो पत्र का सहारा लिया जाता है। पत्र एक ऐसा साधन था जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते थे, दूसरों के विचार हम पढ़ सकते थे। तो यह एक उत्तम साधन था उस जमाने का जब मोबाइल नहीं थे। अब देखिए, मोबाइल के द्वारा जो संदेश हम भेजते हैं वही हम लिखकर पत्र के द्वारा भेजते थे। पहले जमाने में कबूतरों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा संदेश भेजा जाता था। अभी क्या होता है, कुछ समय पहले डाकिया यह पत्र भेजने का काम करते थे। हम जाते थे डाकघर में, पत्र लिखकर और डाकघर में डालते थे और डाकिया क्या करता था, उन पत्रों को लेकर दूसरे जगह तक पहुंचा देता था। जहां हमें पहुंचाना है वहां पर वो पहुंचा देता। तो देखिए, आज हम पत्र के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आज पत्र लेखन। क्या देखने वाले हैं? पत्र लेखन। और पत्र लिखना एक कला है। अगर यह कला आपने सीखी तो आप किसी को भी आसानी से पत्र लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पत्र के दो प्रकार होते हैं, एक है अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। तो आज हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर दो भेद दिए हैं, दो प्रकार दिए हैं। वह है अनौपचारिक पत्र, जो पत्र ऐसे पत्र अपने मित्र सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। इसमें हमारे माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, ऐसे मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र इसमें आते हैं। इनको अनौपचारिक पत्र कहे जाते हैं। इनमें देखिए, यह अपने सगे संबंधी होते हैं, ये जो होते हैं वो अपने सगे संबंधियों होते हैं। हम उनकी खुशहाली के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपनी खुशहालियों को बता सकते हैं। ऐसे जो पत्र लिखे जाते हैं उनको अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। दूसरा है औपचारिक पत्र। जो दूसरा प्रकार है वो है औपचारिक पत्र। तो इसमें ऐसे पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा निजी संबंध नहीं होता, कोई भी हमारा संबंध उनके साथ नहीं होता। ऐसे लोगों को हम जो पत्र लिखते हैं उनको औपचारिक पत्र कहा जाता है। देखिए, अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर और औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर, अंग्रेजी में है ना। आपको ऐसे पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा निजी संबंध नहीं होता। ऐसे लोग कौन कौन होते हैं? तो प्रधानाचार्य, किसी पत्र के संपादक, या फिर कोई पुलिस स्टेशन में हमें पत्र लिखना है, किसी कार्यालय में पत्र लिखना है। तो ऐसे जो पत्र हम लिखते हैं उनको क्या कहा जाता है? औपचारिक पत्र कहा जाता है, मतलब फॉर्मल लेटर। तो आज हम जिस पत्र की जानकारी लेने वाले हैं वो है अनौपचारिक पत्र। एक पत्र का नमूना आपको दिखाता हूँ और क्या क्या उसमें लिखा जाता है। इसके पहले पत्र लिखने के लिए जो आवश्यक बातें होती है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखो, पत्र लिखते समय जो बातें ध्यान में रखनी है वो बातें हैं। पहली बात है कि बाई ओर सबसे ऊपर लिखने वाले का पता लिखा जाता है। देखिए, पत्र लिखते समय नोटबुक की बाई ओर से हमें शुरुआत करनी है, वहां पर पत्र लिखने वाले का पता पहले लिखा जाता है। पत्र जो लिख रहा है मतलब देखिए, पत्र जब हम लिख रहे हैं तो हमारा पता पहले होना चाहिए। तो बाई ओर कहां लिखना है? बाई ओर सबसे ऊपर लिखने वाले का पता लिखा जाता है। तो यह बात सबसे पहले आनी चाहिए कि हमारा पता उसमें पहले होना चाहिए, सबसे ऊपर बाई ओर। उसी के नीचे दिनांक लिखते हैं। पता लिखने के बाद उसके ही नीचे हमें क्या लिखना है? दिनांक लिखना है। जब पत्र हम लिख रहे हैं उसकी दिनांक बराबर होनी जरूरी है, दिनांक उसके बाद लिखना है। दूसरी बात है संबोधन और अभिवादन के बाद उसके नीचे अपनी बात लिखें। और ये संबोधन और अभिवादन क्या है वो हम पत्र के नमूने में देखेंगे। संबोधन और अभिवादन के बाद उसके नीचे अपनी बात लिखनी है कि किस लिए पत्र लिखा गया है। यह हम एक दो वाक्य में लिखकर नीचे लिखेंगे। अगले अनुच्छेद में विषय को विस्तार दें। हम
हमने पत्र किस लिए लिखा है वो पहले ही हम बता चुके हैं। अब उसका वर्णन हमें नीचे करना है, करते जाना है तीसरे बातों में। चौथी बात है अंतिम अनुच्छेद में एक दो वाक्यों में अन्य सदस्यों की पूछताछ करें। अन्य सदस्य है घर के, उनकी भी पूछताछ हमें नीचे सबसे नीचे अनुच्छेद के अंत में हमें क्या करना है, उनकी पूछताछ भी करनी है, उनके बारे में भी जानकारी लेनी है या फिर उनको अभिवादन हमें करना है, उनको प्रणाम कहना है। सबसे नीचे बाईं ओर अपना संबंध व नाम लिखे। क्या करना है देखिए, सबसे नीचे जब पत्र खत्म होता है तब हमें क्या करना है, बाईं ओर पत्र शुरुआत पत्र की शुरुआत बाईं ओर से करनी है और अंत भी बाईं ही ओर करना है। तो सबसे नीचे बाईं ही ओर अपना संबंध व नाम लिखे। पत्र हम किसको लिख रहे हैं, उससे हमारा क्या संबंध है और अपना नाम नीचे लिखना है, तो यहाँ पर हमारा वो पत्र पूरा हो जाएगा। अब पत्र का नमूना हम देखते हैं और ये सब बातें उसमें हम फिर से जानकारी लेते हैं, इन बातों की हम उस पत्र के द्वारा जानकारी लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक पत्र का नमूना दिया है और इस नमूने में किस तरह से पत्र पूरा किया है वो देखेंगे। देखिए यहाँ पर पत्र का विषय है कि अपने मित्र को पिकनिक पर आमंत्रित करते हुए पत्र लिखना है। किसको पत्र लिखना है, मित्र को पत्र लिखना है। किस लिए पत्र लिखना है कि पिकनिक पर जाने के लिए उसे बुलाना है, इसलिए वो अपने मित्र को पत्र लिख रहा है। देखिए शिवाजी नगर खेड रत्नागिरी, सबसे पहले पत्र में क्या होना आवश्यक है, लिखने वाले का पता। तो लिखने वाले का पता है यहाँ पर शिवाजी नगर खेड रत्नागिरी, यह हुआ उस लड़के का पता, जो पत्र लिख रहा है उसका पता। उसके बाद लिखना है दिनांक। दिनांक किस तरह से लिखी जाती है, देखिए आज की दिनांक जो है वो यहाँ पर लिखो। पत्र जब हम लिख रहे हैं उसका दिनांक वहां पर होना आवश्यक है, तो दिनांक इस तरह से लिखी जाती है 29 जून 2020, इस तरह से दिनांक होनी चाहिए। पूरे अंकों में नहीं, यहाँ पर शब्द भी बीच में होना चाहिए, जो महीना हम लिखते हैं वो शब्दों में होना जरूरी है। 29 जून 2020 यह दिनांक इस तरह से डालनी है। प्रिय मित्र आदित्य, दिनांक के बाद क्या है, प्रिय मित्र आदित्य, इसको कहते हैं संबोधन। संबोधन किया है अपने मित्र को, प्रिय मित्र ऐसे लिखा है और आगे उसका नाम लिखा है, इसको कहते हैं संबोधन। मित्र को संबोधित करते हुए ये शब्द लिखे हैं, प्रिय मित्र आदित्य। उसके बाद है अभिवादन। मित्र उसके बराबर के उम्र का है, उससे अगर बड़ा होता तो उसे क्या कहते, उससे भी नमस्कार कहते, नमस्ते कहते, ये उसके बराबर का है इसलिए नमस्कार कहा है। और उससे अगर छोटा हो, अगर लिखने वाले से सामने वाला जो पत्र पाने वाला है वो अगर छोटा हो, उसका भाई हो, छोटा भाई हो, तो क्या लिखता है यहाँ पर, आशीर्वाद। क्या लिखता, आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार, ऐसे लिखता। तो यहाँ पर सप्रेम नमस्कार, क्योंकि आदित्य के बराबर का है वो, आदित्य के बराबर का जो लिखने वाला है वो उसी के उम्र का है, इसलिए सप्रेम नमस्कार यहाँ पर लिखा है। इसे कहते हैं अभिवादन, इसको कहते हैं संबोधन, संबोधित करते हुए, और यहाँ पर अभिवादन, अभिवादित करते हुए। तो सप्रेम नमस्कार यहाँ पर देखिए, अभी पहले पत्र किस लिए लिखा जा रहा है तो उसके बारे में भी जानकारी दी है, और यहाँ पर कुशलता पूछी पूछे, पहले क्या लिखा है उसके खुशहाली के बारे में पूछा है, अपनी खुशहाली के बारे में बताया है। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम लोग भी कुशलता पूर्वक होंगे। पहले परिच्छेद में ही उन्होंने अपनी कुशलता बताई है और अपने मित्र की कुशलता भी पूछी है, उसके बारे में भी जानकारी ले रहा है वो, तुम लोग भी कुशलता पूर्वक होंगे ऐसी आशा उसने जताई है। दूसरे परिच्छेद में देखिए, वहां पर वो रखता है कि पिकनिक पर जाने का विषय वो अपने मित्र को वर्णित करता है, उसका वर्णन करता है। मैं 15 जुलाई को रत्नागिरी में अपने परिवार और मित्रों के साथ थीबा पैलेस देखने जा रहा हूँ, सब मित्रों के साथ वहाँ बहुत मजा आएगी, मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ पिकनिक पर चलो, तुम साथ होगे तो
बहुत मजा आएगा। देखिए यहाँ पर तुम साथ होगे तो बहुत मजा आएगा, ऐसे वो मित्र कह रहा है अपने पत्र के द्वारा। यहाँ पर देखिए पत्र मिलते ही मुझे पत्र लिखकर अपना निर्णय बताना, तुम्हारे माता पिता को प्रणाम करना। उसने क्या किया है देखिए पूरे विस्तार के साथ उसने अपने विषय का वर्णन किया है यहाँ पर, और अंत में उसने क्या किया है पत्र मिलते ही अपने पत्र का जवाब मुझे देना, अपना निर्णय मुझे बताना और तुम्हारे माता पिता को प्रणाम। अंत में अन्य जो सदस्य है परिवार के उनको भी उसने क्या किया है प्रणाम किया है। तो ऐसे पत्र खत्म होना चाहिए। उसके बाद अपना जो संबंध है मित्र के साथ क्या संबंध है, तो वो अपना मित्र है। अगर पिता जो होते तो आपका पुत्र ऐसे कहा जाता, बहन होती तो तुम्हारा भाई तुम्हारी बहन ऐसे यहाँ पर आता। तो यहाँ पर मित्र है, मित्र का संबंध है तो तुम्हारा मित्र और जो लिखने वाला है उसका नाम, तो लिखने वाला यहाँ पर कौन है सुरेश और पत्र पाने वाला कौन है आदित्य। समझ में आएगा, पहले हमने क्या लिखा पता, उसके बाद दिनांक, उसके बाद संबोधन यानी प्रिय मित्र आदित्य ऐसे संबोधन लिखा, उसके बाद यहाँ पर अभिवादन लिखा। ये जो यहाँ पर आएंगे मतलब देखिए आप अभी यहाँ पर अगर होता कि पूज्य पिताजी प्रिय पिताजी ऐसे अगर होता तो यहाँ पर क्या आता नमस्कार ही आता, सप्रेम नमस्कार सप्रेम प्रणाम ऐसे आता। तो यहाँ पर देखो कुशलता पूछी है पहले परिच्छेद में, उसके बाद उस पत्र किस लिए लिखा है उसका वर्णन किया है, और पत्र समाप्त होते होते यहाँ पर पत्र का जवाब फिर से लिखो, और उसके बाद उनके सदस्यों को पूछा है उनकी पूछताछ की है और उनको प्रणाम कहा है। छोटे बच्चे हैं उनके घर में तो उनको ढेर सारा आशीर्वाद कहकर आप पत्र समाप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर तुम्हारा मित्र संबंध बताया है पत्र लिखने वाले से और अपना नाम नीचे लिखा है, तो ऐसे पत्र पूरा किया जाता है। आपको भी ऐसे ही एक विषय दिया जाएगा उसके ऊपर आपको इस तरह से पत्र पूरा करना है। देखिए यहाँ पर एक विषय दिया है उस विषय पर आपको पत्र लिखना है, तो यह पत्र भी मित्र को ही लिखना है। जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखो, यह पत्र आपको नोटबुक में पूरा करना है। धन्यवाद।